अपील करने के लिए पार्टी के बड़े नेताओं के आने का दौर चल रहा है। इसी कड़ी के चलते अम्बाला में आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे। इस दौरान चन्नी ने लोगों से अम्बाला शहर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह के लिए वोट की अपील करते हुए भाजपा सरकार पर तंज कसा। चन्नी ने कहा कि हरियाणा में भाजपा का भोग पड़ा गया है, लोग भाजपा के कार्यक्रमों में कुछ इस तरह जा रहे हैं मानो भोग हो, वहीं जाने पर भी कांग्रेस का कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर लोग शादी समझकर चढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने शंभू भोजन को लेकर बयान देते हुए उसे खोलने की बात कह रहा। बहुत बड़ी गिनती दे विच लोग उमड़ के कांग्रेस दे प्रोग्रामां च हरियाणे विच आ रहे। मैं हर रोज किसी ना किसी कई प्रोग्राम करदा ते मैं देखिया कि लोग इस तरह आउंदे आ जिस तरह वह ब्याह चले आउंदे आ ते बीजेपी दे प्रोग्रामां विच इस तरह जा रहे जिस तरह किसी भोग ते जा रहे होंदे। बीजेपी दा इत्थे खात्मा हो रहा ते बहुत बड़ी गिनती दे विच कांग्रेस इत्थे जीत के सरकार बनाउन जा रही है। मैं थोनू एक गल दस दिना कि तुसी सरकार बनाओ कांग्रेस दी, ऐसी दूसरे दिन शंभू बॉर्डर खोल देना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार हरियाणा के चुनावों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।